खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली नगर की है, जहां पिछले कई वर्षों से हिंदू मुस्लिम की एक अनूठी पहल देखने को मिलती है। बता दें कि पाली नगर में गणेश चतुर्थी आते ही हिंदू मुस्लिम परिवारों में एकता की मिसाल देखने को मिलने लगी है। कौन कहता है नफरत की आंधी से मोहब्बत का दिया रोशन नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मजबूत दीवार को तोड़ना नफरत की सौदागरों मुश्किल है। तस्वीर बानगी है उमरिया जिले के पाली नगर में, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। पाली के एमपीबी कॉलोनी पाली सब्जी मंडी पीपल गणेश सहित पूरे शहर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पर हिंदू मुस्लिम परिवार के लोगों ने मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की है। हिंदू मुस्लिम परिवार की विधि लोग विधान से गणेश का हवन पूजन करते आ रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना है। मुस्लिम युवक इरशाद खान का कहना है कि हम सब्जी मंडी के हिंदू मुस्लिम व्यापारी भाई पिछले वर्ष भी गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी और विधि विधान से विसर्जन किया था। इस वर्ष भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। मुस्लिम परिवार हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहता है। इस बार भी सभी लोग मिलजुल कर गणेश उत्सव मना रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने में खुशी मिलती है। भगवान अल्लाह का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। संसार में बिना मोहब्बत के कुछ नहीं है। इस साल भी बिरसिंहपुर पाली नगर में मुस्लिम परिवार हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गणेश उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। मेरा नाम इरशाद खान है। पिछले दो वर्षों से यहाँ पे हम लोग गणेश जी रख रहे हैं सब्जी मंडी के थ्रू, यानी कि हमारे जितने भी सब्जी व्यापारी हैं ये यहाँ पे गणेश भी सब मिल के रखते हैं, और हिंदू मुस्लिम सब हैं इसमें, सब जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे डेली यहाँ पे भंडारा चलता है डेली, और यहाँ पे 28 तारीख का कल का विसर्जन है, और सब यहाँ पे हैं, सब मिले हुए हैं, और सब अच्छा से अच्छा होता है और आगे भी होता रहेगा। ये हमारे कमेटी का लक्ष्य है कि सब्जी मंडी में हम हरदम यहाँ पे पूजा पाठ हो तो कुछ शांति बनी रहे सब्जी मंडी में, तो इसके माध्यम से हम लोग, ये सोच है हमारी और आगे भी रहेगी। करीब 10 दिन से हमारी यह गणेश श्री साईं गणेश मित्र मंडली उत्सव समिति जो है 10 दिन से गणपति बप्पा जी की सेवा कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। माँ विरासनी धाम में पाली और कॉलोनी, मतलब इस धाम में पूरे में ही हमने हिंदू और मुस्लिम एकता का की मिसाल देखी है, और सभी मिलके हर त्योहार हर उत्सव बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से मनाते हैं, और 10 दिन भगवान की सेवा करके अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है, एवं कल हमारा हवन होगा एवं भंडारा भी होगा जो कि विशाल रूप में भंडारा होगा, और 29 तारीख को हमारे गणेश जी का विसर्जन होगा, और 30 तारीख को देवी जागरण इसी मंच पर कराया जाएगा, जो बाहर के कलाकारों द्वारा देवी भक्तिमय गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। और हमारी समिति में जो भी मित्र मंडली के सारे सदस्य हैं, इनकी एक खासियत है, हमारे संस्थापक जी जैसे केडी भाईजान जी, उनका कहना है और इसी शर्त पर हम लोग बिठाते हैं गणेश जी कि हम लोग चंदा कहीं भी से नहीं काटेंगे। हमारे जो मित्र मंडली के सारे सदस्य हैं वो ही अपना सहयोग करके और यह धूमधाम से उत्सव त्योहार मनाएगा। यह विगत 16 वर्षों से पीपल गणेश उत्सव की स्थापना हुई थी, जो भी लगातार यह कार्यक्रम 16 वर्षों से चला आ रहा है, और इस वर्ष आप नगर में देखेंगे कि जगह जगह पर गणेश जी विराजमान हैं। एक हमारे हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का उदाहरण हमारे सब्जी मंडी में पूरे मुस्लिम भाइयों ने मिलकर गणेश जी की स्थापना की है, और देवी जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया। हमारे शहर के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश इस शहर के लिए गया है, और हमारा नगर इसी की पहचान है। और हमारे पंडाल में 10 दिन के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गणेश जी की स्थापना छठी का भव्य कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बच्चों के साथ केक काटा जाता है और उनसे प्रश्नोत्तरी गणेश जी के ऊपर की जाती है। उसके पश्चात कल 28 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम कन्या भोज होगा, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा और बैठा कर भंडारे पूरे नगर के लोगों को खिलाया जाएगा, और परसों धूमधाम से
गणेश जी का विसर्जन एवं झांकी निकाली जाएगी। झांकी में विशेष आकर्षण का केंद्र सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बहनें जो लेजिम करते हुए पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रहेंगी।